एवरीवन, आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही स्वादिष्ट मिठाई की रेसिपी। ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा इजी है और बिना गैस जलाए हुए बना सकती हैं इस मिठाई को, और इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। और इस दिवाली पे आप ज़रूर बनाइएगा ये मिठाई, सभी को बहुत ही पसंद आने वाला है ये मिठाई, और इसका टेस्ट मैं क्या बताऊँ, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। तो यहाँ पर देखिए मैं तोड़ के दिखा रही हूँ, और ये मिठाई ना आप बिना गैस जलाए हुए बना सकते हैं, कहीं भी बैठ के बना सकते हैं फ्रेंड्स, बहुत ही ईजी तरीके से। आप पहली बार भी बनाना चाहेंगे ना, फिर भी आप बना सकते हैं। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए इसे हम बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैं मिक्सर जार ले ली हूँ, और एक कप मैं मिल्क पाउडर ले रही हूँ, और एक कप मैं यहाँ पे डेसिक्रेट कोकोनट पाउडर ले ली हूँ। आप कोई भी ब्रांड का मिल्क पाउडर ले सकते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पर मैं दोनों को डाल दी हूँ, और यहाँ पर मैं दो पीस मतलब दो हरी इलायची कूट के यहाँ पर डाली हूँ। अगर आपके पास पाउडर है तो डाल सकते हैं। तो देखिए मैं दोनों को ग्राइंड कर ली हूँ अच्छी तरीके से, और एक यहाँ पे बाउल ली हूँ, और उसके बाद यहाँ पे मैं डाल दूँगी। और ये देखिए कितना फाइन सा पाउडर बनके रेडी हो गया है फ्रेंड्स, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, मतलब ऐसे नहीं दिखेगा कि यहाँ थोड़ा दाना दाना सा रह गया है। तो अब हम यहाँ पे डालेंगे शुगर पाउडर, ये देसी खांड है फ्रेंड्स, ये सेहत के लिए बहुत ही अच्छी होती है। तो मैं आधा कप से थोड़ा सा मैं कम ली हूँ, ताकि ये मिल्क पाउडर मैं रखी हूँ ना वो भी मीठी होती है, इसीलिए मैं थोड़ा सा आधा कप से कम रखी हूँ। आप मीठा आप अपने हिसाब से रख सकते हैं कम या ज़्यादा। तो यहाँ पर देखिए मैं हाथों से मिक्स कर ली हूँ, और यहाँ पर मैं आधा कप मिल्क ली हूँ, और थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पर डालेंगे, और हमको बाइंड करना है इसको। अगर आपके पास मलाई हो ना तो आप वो भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए अच्छे से हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, ताकि ये गीला ना हो। गीला हो जाएगा ना तो फिर वो मतलब फिर से मिल्क पाउडर डालना पड़ेगा आपको, और कोकोनट पाउडर डालना पड़ेगा। तो मैं थोड़ा थोड़ा करके डाल रही हूँ यहाँ पे। और फ्रेंड्स यहाँ पे दूध लेनी है ना, बिल्कुल ठंडी होनी चाहिए, गर्म नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं फ्रिज में रखी थी दूध, उसी का मैं यूज कर रही हूँ। तो ये देखिए थोड़ा सा ही दूध में ये बाइंड होना हो जाता है। आपको सूखा मतलब ऐसे सूखा लगे तो आप थोड़ा सा दूध और डाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ही दूध में ये बाइंड हो गया है अच्छे से, और बहुत ही सॉफ्ट सा बन के रेडी हुआ है, ये डो बन के रेडी हुआ है बहुत ही अच्छा से। ये देखिए आप ऐसे ही मिलाएंगे ना तो ये जो कोकोनट पाउडर होता है ना, ये अपने आप वो अपना ऑयल छोड़ देता है। तो यहाँ पर देखिए मैं आधा कप ली थी, तो यहाँ पे थोड़ा सा ये ज़्यादा हो गया था तो मैं हटा दी हूँ, और ये बिल्कुल रेडी हो गया है। तो यहाँ पे मैं मोल्ड ले लूँगी, और यहाँ पे आप घी नहीं तो ऑयल कोई भी ऑयल ले सकते हैं, और यहाँ पे मैं बटर पेपर लगा दूँगी ताकि इजीली ये बर्फ़ी निकल सके, और उसके ऊपर भी हम लगा देंगे ऑयल। तो यहाँ पे देखिए मैं लगा दी हूँ, अब इसको हम सेट करेंगे अच्छे से। तो ये देखिए ये जो ऑयल है ना, ये अपने ये कोकोनट का ऑयल है, ये आप जब इसे मिक्स करेंगे ना वैसे ही अपने आप अपना ऑयल छोड़ देता है। तो यहाँ पे देखिए अच्छे से ये मिक्स यहाँ पे सेट कर लिए हैं। अब हम चम्मच से अच्छे से चम्मच से चिकना कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए अच्छे से ये चिकना हो रहा है, बहुत ही अच्छे से ये चिकना हो जाता है फ्रेंड्स, जैसे जैसे आप सेट करेंगे ना वैसे से ये चिकना हो जाता है, चिकनाहट आ जाएगा अपने आप। तो ऐसे आपको लग रहा है कि ऊपर से तेल डाला गया है, बट ये तेल नहीं है, ये कोकोनट का ये है जब हम मिक्स किए थे ऐसे ही वो उसमें से निकला हुआ है। तो यहाँ पे देखिए मैं एक घंटे के लिए मैं फ्रिज में रखी थी, ये सेट हो गया है बहुत ही अच्छे से, और देखिए ये इतना प्यारा सा ये डीमोल्ड हो जाएगा ना, ये बहुत ही अच्छे से डीमोल्ड हो जाता है, देख रहे हैं ना। और उसके बाद हम बटर पेपर हटा लेंगे, तब हम कटिंग करेंगे। कटिंग फ्रेंड्स आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं कटिंग कर रही हूँ, कटिंग बहुत ही प्यारा सा कटिंग हो गया था, ये साइड से मैं हटा दूँगी, ये देखिए इधर से भी साइड से हटा दूँगी ताकि ये कटिंग अच्छा से हो। तो दोनों तरफ से मैं हटा दी हूँ, और तब मैं कटिंग करूँगी। तो ये देखिए कटिंग करने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है, ये देखिए बहुत ही अच्छा से कटिंग हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए कितना प्यारा सा ये बनके रेडी हुआ है मिठाई। तो आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस दिवाली पे।
तो और बहुत ही झटपट में बन के रेडी हो जाती है मिठाई। कहीं भी बैठ के आप बना लेंगे, दिवाली में बहुत सारे काम होते हैं, तो ये मिठाई ज़रूर ट्राई कीजिएगा बनाना, सभी को बहुत ही पसंद आएंगे। तो यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ ये कितना प्यारा सा बन के रेडी हुआ है। तो मैं यहाँ पे पिस्ता और केसर से मैं थोड़ा सा सजा रही हूँ, सजाना तो अपने हाथ में है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आप बादाम भी कटिंग करके डाल सकते हैं, किशमिश भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको तोड़ के दिखाऊंगी, इसका टेक्सचर मैं बता रही हूँ कितना प्यारा आया है। बहुत ही सॉफ्ट सा एकदम मुँह में घुल जाने वाली मिठाई बन के रेडी हुई है। ये देख रहे हैं ना, बहुत ही अच्छे एकदम लग रहा है, मार्केट जैसा ये मिठाई लग रहा है। बहुत ही सुंदर सा बन के रेडी हुआ है, तो ये देख रहे हैं तोड़ के मैं दिखा रही हूँ। मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर फ्रेंड्स।